रेलवे संपार फाटक पर बुधवार को ट्रैक के समीप एक ट्रैक्टर फंस गया, जिसके कारण करीब 15 मिनट तक दोनों ओर आवागमन बाधित हो गया। यह तो गनीमत रही कि इस दौरान किसी रेल के आगमन के समय नहीं था, नहीं तो एक गंभीर हादसा घटित हो जाता। करीब 25 मिनट पर कर्मचारियों तथा आसपास के लोगों की मदद से ट्रैक्टर को खाली कर उसे ट्रैक से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार वर्तमान में रेलवे की ओर से दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसी को लेकर ब्यावर रेलवे स्टेशन पर भी कार्य तेजी से चल रहा है। बुधवार को दोहरीकरण कार्य में लगा एक ट्रैक्टर कुछ सामान भरकर ट्रैक से गुजर रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर का एक टायर जमीन में धंस गया। काफी प्रयास के बाद भी ट्रैक्टर के टायर को निकाला नहीं जा सका। इस दौरान कोई भी ट्रेन नहीं निकली, लेकिन कर्मचारियों की जान सांस में आ गई। हालांकि आनंद फानंद में ट्रैक्टर पर लदे सामान को खाली कर ट्रैक में फंसे ट्रैक्टर को निकाला गया, तब कहीं जाकर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली।